नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि सारे के सारे लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों आज का जो सुबह है, हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए ये सुबह अच्छी ना हो। दोस्तों 6 नवंबर को मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं। जैसा कि आप लोग दोस्तों यहां पे अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, साफ साफ वर्ड्स में द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑन संडे सेड इट विल बी इशू टू ब्लॉकिंग ऑर्डर अगेंस्ट 22 इलीगल बीटिंग ऐप एंड वेबसाइट इंक्लूडिंग महादेव बुक ऑनलाइन एंड सो मेनी एप्लीकेशन बाय ईडी। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, यहां पे मैं आपको साफ साफ आर्टिकल दिखा देना चाहूंगा। द इकोनॉमिक्स टाइम के तरफ से यहां पे दोस्तों दिया गया है और आपको मैं बता देना चाहता हूं सिंपल वर्ड्स में। दोस्तों यहां पे बैन कर दिया गया है एप्लीकेशंस को, जो दोस्तों बीटिंग का एप्लीकेशन है इसको बैन कर दिया गया है सरकार के तरफ से। यानी कि दोस्तों महादेव एप्लीकेशन के समेत 21 एप्लीकेशन ऐसे हैं जो दोस्तों बैन हो चुके हैं। अगर आप दोस्तों बीटिंग ऐप पे खेलते हैं तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही बैड न्यूज़ है। और दोस्तों मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं, अगर आपका कोई भी पैसा जो भी गलत सोर्स से आता है जिसको सरकार ने बैन किया हुआ है, तो दोस्तों आप फ्यूचर में पढ़ सकते हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में। क्योंकि अगर आपसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछती है कि ये पैसे कहाँ से आए हैं, तो दोस्तों वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि बीटिंग ऐप से आए। अगर आप नहीं भी बताएंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन दोस्तों वहाँ पे सीधा सवाल आपसे ये किया जाएगा कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैन किया है जो चीज़ इंडिया में इलीगल नहीं है, वो चीज़ आप कैसे इस्तेमाल कर रहे थे। दोस्तों जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं इकोनॉमिक टाइम और दोस्तों जितने सारे आर्टिकल्स हैं, सारे के सारे आर्टिकल सेम चीज़ बता रहे हैं। तो दोस्तों बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भैया अब पहले जैसा होगा कि जो भी डोमेन सर्वर है वो चेंज कर दिया जाएगा बीटिंग का। तो दोस्तों ये आप सभी लोगों की बहुत ही बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि दोस्तों ऑफिशियली बैन यहाँ पे किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। और दोस्तों गवर्नमेंट का फैसला कभी भी दोस्तों यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ, गवर्नमेंट का फैसला दोस्तों अगर आता है तो उसको मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि भैया गवर्नमेंट का फैसला आ गया फिर भी हम खेल लेंगे, तो वो दोस्तों आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। दोस्तों उससे पहले आपको बता देना चाहता हूं, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल फैंटेसी आशीष में नहीं जुड़े हैं तो दोस्तों जुड़ जाइए। यहां पे आपको लीगल फैंटेसी एप्लीकेशंस की टीम मिलेगी विद 28% गवर्नमेंट जीएसटी, 30% टीडीएस। यानी कि दोस्तों यहां पे हम लोग बताएं तो फैंटेसी एप्लीकेशन में दोस्तों जो आप अगर फैंटेसी खेलते हैं तो आपको यहां पे फैंटेसी की फ्री टीम्स मिल जाएगी। जिस टीम से मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं वही टीम देता हूं आपको बिल्कुल ही फ्री में। और दोस्तों आपको एक बात बता देना चाहता हूं, अगर आप यहाँ पे बीटिंग करते थे तो मैं आपको एक सजेशन करूंगा कि वो सारी इलीगल चीज को छोड़ दीजिए, फैंटेसी में आ जाइए अगर आपका स्किल है तो, अगर आपका मन है तो। उससे पहले एक और चीज, मेन चीज बताना चाहूंगा, दिस गेम इन्वॉल्व एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबिलिटी एट योर ऑन रिस्क। इस गेम में विद जोखिम संभालो शामिल है और इसकी लत लग सकती है, सो कृपया जिम्मेदारी और अपने जोखिम पर खेले। यहाँ पे दोस्तों आपको मैंने डिस्क्लेमर दे दिया है। बाकी दोस्तों अगर आप खेलना चाहते हैं फैंटेसी में तो हमारे दोस्तों यहाँ आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम में जुड़े या ना जुड़े नो प्रेशर फ्रॉम माय साइड। तो दोस्तों यहां पे आपको टीम्स ये रिलेटेड मिल जाएगा। बाकी दोस्तों यहां पे आपकी क्या राय है, और दोस्तों यहां पे सारे के सारे ऐप्स को बैन कर दिया गया है, साइट्स को बैन कर दिया गया है। अब मुझे नहीं पता कि आपका कौन से एप्लीकेशन में पैसा है, आप कौन से एप्लीकेशन में खेलते थे, लेकिन दोस्तों आपको ये बोलूंगा कि आप जो भी करें सोच समझ के करें। ऐसा नहीं कि 1000-2000 के चक्कर में, 10,000 रुपये निकालने के चक्कर में आपको 10 लाख का जुर्माना भरना पड़े। क्योंकि दोस्तों जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पे कानून आता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट आता है। और इंडिया में दोस्तों इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन वाला देश है, कॉन्स्टिट्यूशन वाला कंट्री है। यहाँ पे जो भी एक बार लीगलिटी पास होता है वो दोस्तों कभी भी आप रूल ब्रेक नहीं कर सकते। तो मेरा भी आपको यही सजेशन रहेगा कि अगर आपका टैलेंट है तो आप यहाँ पे फैंटेसी खेल सकते हैं। बाकी नो प्रेशर फ्रॉम माई साइड, आप इस जो भारत देश है यहाँ पे फ्रीडम टू, यहाँ पे एकदम फ्रीडम है जो भी चीज आप करना चाहे। लेकिन दोस्तों आपको एक सजेशन दूंगा कि आप फिर से वो काम ना करें, क्योंकि अगर बीटिंग ऐप फिर चलता भी है तो वो पूरी तरह से डोमिनेंट सर्वर पे चलेगा, जो सर्वर दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से बैन किया हुआ है, और हो सकता है आगे आपको बहुत ही ज़्यादा दोस्तों दिक्कत का सामना करना पड़ सके। दोस्तों ऑफिशियल टेलीग्राम हैंडल फैंटेसी आशीष में आप पहली बार आए हैं तो दोस्तों आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी सारी चीज़ें होगी आपको वहां पे मेरे तरफ से बता दिया जाएगा, और अगर आप लॉस में हैं तो आपका लॉस बिल्कुल ही
फ्री में कवर करा दिया जाएगा। तो दोस्तों मेरा सजेशन यही है कि अगर लॉस में है तो जरूर जुड़ जाइएगा। अभी तक दोस्तों हमारे बहुत ही कम सब्सक्राइबर है, रीजन ये है कि दोस्तों हम लीगल काम देते हैं, सच्चाई के साथ काम देते हैं और सही काम देते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और सारे के सारे भाई लोग यहाँ पे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और टेलीग्राम में जुड़ जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।